हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विकिशन, मैं टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेबसाइट कॉपी करके कैसे आप ऑफलाइन सेव करके उसको अपने पीसी में रख सकते हैं और बिना इंटरनेट के उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आपको कोई वेबसाइट ऐसी है या आप उसको सेव करके अपने पेन ड्राइव में डाल के रख सकते हैं, कभी भी उसे ऑफलाइन ओपन करके उसके सभी पेजेस को चेक कर सकते हैं। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें, ताकि वेबसाइट को कॉपी कैसे करके आप ऑफलाइन सेव करके अपने पीसी में रख सकते हैं। चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर HTTPTech वेबसाइट कॉपी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा आएगा, HTTPTech वेबसाइट कॉपी है, तो आपको इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। प्रोजेक्ट कैटेगरी नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे जो वेब एड्रेस आपको URL एंटर करना है जिस वेबसाइट को कॉपी करना है, वो एड्रेस यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एड्रेस है, मेरे पास एक वेबसाइट है techinfo.technology के नाम से, तो मैं उसे यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ। करते हैं हम नेक्स्ट। डू नॉट यूज़ रिमोट एसेस कनेक्शन, हमें कोई रिमोट एसेस कनेक्शन नहीं करना, तो इसे फिनिश कर देते हैं। तो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। हो सकता है कि वेबसाइट को कॉपी होने में 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, और वेबसाइट के जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उसका उतने टाइम लगने वाला है। तो आप ऐसा मत करना कि ये नहीं है वेबसाइट कॉपी नहीं हो रही, इसको कितना टाइम हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उनके बहुत बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है कॉपी होने में। तो हमने फिनिश कर दिया था। हमारी लोकेशन थी सी वेबसाइट्स, सी में जाएंगे, यहाँ पे माई वेबसाइट्स का फोल्डर है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स, अब इंडेक्स में हमने क्या नाम दिया था, FTFTFTFT ऐसे कुछ लिखा था, DF, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये रही वो वेबसाइट जो ऑफलाइन सेव हो चुकी है, ये बिना इंटरनेट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, किसी को कभी सेंड करनी हो, किसी के पास इंटरनेट ना हो, उसे दिखाना हो, कुछ ब्राउज करके कुछ चीज़ दिखानी हो, तो आप इसे सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।